प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया, अपने कहाँ से एलखिन भैया? दीदी हम जीविका ऑफिस से एलिए, हमरा मालूम होली कि अपने के समूह के कोई दीदी के पति एक्सीडेंट करलखिन, उनके बारे में हम पता चलाबे लगबेला एलिए। दीदी अपना परिचय दे देथिन। संगीता नाम है दीदी, भैया खरुआरा के रहने वाला ही है, आ महारानी जीविका स्वयं सहायता समूह के कोषाध्यक्ष है ना, सूरज जीविका ग्राम संगठन के सदस्य है, हरनौत प्रखंड है ना, जिला ललंदा है भैया। हमार परिचय तो ले लेलखिन भैया, अब अपन परिचय देथिन। हमार परिचय, हमारा नाम होले सैना कुमार दीदी, हमार घर समनहुआ डी हरनौत होले और प्रखंड हरनौत होले, जिला नालंदा के निवासी है दीदी। दीदी अपने के पति कैसे मृत्यु हो गए उनका दीदी? एक्सीडेंट से मर गेलखिन। एक्सीडेंट से मर गेलखिन दीदी? हाँ भैया। कितना दिन होली मरला दीदी? साल दो साल हो गए भैया। दो साल हो गया है। हाँ। दीदी अपने के केगो बाल बच्चा है दीदी? तीन गो है भैया। तीन गो है दीदी? हाँ तीन गो। दीदी तो बताइए कि आपका जर जमीन है दीदी? नहीं भैया, जमीन वमीन तो नहीं है, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं दीदी? हाँ भैया मजदूरी। दीदी उनका इंश्योरेंस है कि नहीं दीदी? नहीं भैया, इस सामान के बारे में तो हमारी के जानकारी है नहन भैया, तक की पता है कि कैसे के कहा इंश्योरेंस। वो इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं भैया कुछ नहीं जाना है। इंश्योरेंस के की होवा है भैया, हमने कुछ मालूम नहीं है। इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं जानती है दीदी? नहीं भैया। तो आपके समूह में सीएम दीदी है ना, वो इंश्योरेंस के फार्म भरती है दीदी, उनको भी चलिए वो सब कुछ बतावेंगे। दीदी सीएम के घर चला, सीएम दीदी बताई थी ना? चला ना भैया। भैया आप किस उद्देश्य से आए हैं? दीदी हम यही उद्देश्य से आए हैं, इनका पति एक्सीडेंट कर दिए गए हैं, उनका जीवन बीमा था कि नहीं ये पता लगाने हम आए हैं दीदी। भैया ये दीदी का इंश्योरेंस तो है, लेकिन इनका पति का इंश्योरेंस नहीं है। अगर इनका पति का इंश्योरेंस होता ना तो उनको लाभ मिलता। इनका पति का इंश्योरेंस नहीं, नहीं है दीदी? इनका पति का इंश्योरेंस नहीं हुआ है। दीदी बताइए कि इनका पति का इंश्योरेंस नहीं हो रहा था, इसका बारे में बताइएगा दीदी? हाँ भैया चलिए हम बैठ के बताते हैं, थोड़ा समय लगेगा। समय तो लगेगा? हाँ डिटेल से अच्छा से हम बताएंगे, समझाएंगे। सीएम दीदी बताइए आपका समूह में और कोई क्लेम है दीदी? हाँ भैया एक ऐसा और क्लेम है जो कि पति पत्नी का दोनों का इंश्योरेंस है, वो दीदी लाभ उठा चुकी है। वो दोनों दीदी पति पत्नी खाता जो इंश्योरेंस वो लाभ उठा लिए हैं दीदी? हाँ भैया वो दीदी उठाई है लाभ। दीदी जो वो पति पत्नी को लाभ मिला था ना दीदी, उन दीदी को बुला लेते तो अच्छा रहता दीदी। ठीक है भैया हम बुलवा देते हैं। अरे जुली इधर आ तो, पुतुल दीदी को जानती है ना रे? जी। जाओ पुतुल दीदी को बुला के लेते हो। सही दीदी प्रणाम। प्रणाम बैठे दीदी, आओ ऐसे बैठे। दीदी आप ही का जीवन बीमा पैसा मिला था दीदी? मिलेगा कल। कैसे कैसे वो फार्म भरवाए थे दीदी? सब सीएम दी। सीएम दीदी भरे थे? कैसे कैसे भरा है दीदी? एक तो फार्म है, ओकर नाम है जन श्री बीमा योजना के फार्म, तो ओकरा में जिनकर इंश्योरेंस हुआ है उनकर नाम भरा है, और जब पति का इंश्योरेंस हुआ है तो पति के ऊपर में नाम रहा है, पूरा पता रहा है, नॉमिनी में पत्नी के या बेटा के नाम देवल जाए। भरमा भरे में पैसों से लगा दीदी? हाँ दीदी पैसा लगा है। कितना लगा है?
पति के इंश्योरेंस होबा है तो 100 रुपया, पत्नी के भी इंश्योरेंस होबा है तो 100 रुपया, साल में पति पत्नी के इंश्योरेंस होबा है तो साल में 200 रुपया लगा है, दोनों के अलग अलग इंश्योरेंस होबा है। साल भर में लगा दीदी? हाँ, साल भर में, साले साल रिन्यूअल करवल जा है, एक साल लगी बीमा में होबा है, रिन्यूअल फिर करवल जाए, फिर 100 रुपया दे के रिन्यूअल होबा है। पैसवा जो होबा है दीदी, जमा जी कहाँ रखा हो? ये पैसा दीदी ये जमा हुआ है वीओ में, और वीओ से फिर जाए जीविका ऑफिस में, और जीविका ऑफिस से LIC ऑफिस हुआ है, जहाँ ही जमा हुआ है ये पैसा। जीविका इस एजेंसी नोडल एजेंसी से JBY का करवाती है, यह गरीब से गरीब महिलाओं का बीमा होता है। मैं कैसे कैसे मैं एक्सीडेंट में मिला है दीदी? नेचुरल डेथ पर दीदी 30,000 रुपया मिला है, एक्सीडेंटल पर 75,000 रुपया मिला है। अगर शरीर के कोई भी एक अंग जैसे हाथ होले या पैर होले तो ओकरा में 37,500 रुपया मिला है, और शरीर के दो अंग बेकाम हो गए जैसे एगो गोड़े है एगो हाथे है तो दो अंग ही होले तो ओकरा में 75,000 रुपया मिला है। ये फार्म दीदी हम भरते हैं, और फार्म भर के जीविका ऑफिस में पहुंचाते हैं, और जीविका ऑफिस से CLF में DD ड्राफ्ट बन के जमा होता है, ठीक है। CLF है दीदी BPIU डाटा के अनुसार रकम देता है, और इसे BPM है जो सत्यापित करता है। इस डिमांड ड्राफ्ट को दीदी SPMU में भेजते हैं, अंत में इसे स्टेट ऑफिस काम को पूरा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हम भी अपना गांव में जब इधर CM दीदी से इस समय के बारे में चर्चा कर भी दीदी। बहुत धन्यवाद भैया।